हाँ दोस्तों, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं मोर कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर डू व्हाइल लूप स्ट्रक्चर के ऊपर। इस एग्जीक्यूट करने से पहले, इस डू व्हाइल लूप के ऊपर डिस्कशन करने से पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं व्हाइल लूप क्या होता है और फॉर लूप क्या होता है। डू व्हाइल लूप अब हम डिस्कस करेंगे। फॉर लूप एंड व्हाइल लूप के अंदर तीन चीजें बिल्कुल कॉमन है कि उनके अंदर सबसे पहले तो काउंटर इनिशियलाइज होता है, उसके बाद में काउंटर इनिशियलाइज होने के बाद में कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर कंडीशंस का इवेल्युएशन करने के बाद में रिजल्ट ट्रू आता है तो पर्टिकुलर लूप का स्ट्रक्चर जो है उस कोड ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर फॉल्स आ गई है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, हमारा प्रोग्राम ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। लेकिन डू व्हाइल के अंदर क्या होता है, जो भी आपका लिखा हुआ है डू के अंदर सबसे पहले वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, उसके एग्जीक्यूशन होने के बाद में कंडीशन चेक करेगा। मतलब कि इस डू व्हाइल लूप का यूज हम प्रोग्रामिंग के अंदर जब करते हैं, जब हमें कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक है, हमें ये आइडेंटिफाइड नहीं है, हमें पता ही नहीं कि कितनी बार ये लूप चलेगा, कितनी कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई होंगी, हाउ मेनी टाइम वो इटरेशन विल रन। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पर्टिकुलर ब्लॉक एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, उस एग्जीक्यूशन होने के बाद में जो रिजल्ट निकलते हैं उन रिजल्ट के बेसिस के ऊपर कंडीशंस इवेल्युएट होंगी। अगर वो कंडीशंस कहते हैं कि वापस से परफॉर्म किया जाए टास्क को तो ये वापस अगेन चला जाएगा, उस अगर जब तक चलता रहेगा जब तक की कंडीशन ट्रू होती रहेगी। फॉल्स आते ही प्रोग्राम से, मतलब पर्टिकुलर कोड ब्लॉक से या डू व्हाइल का जो ब्लॉक है उससे बाहर निकल जाएगा। तो डू व्हाइल लूप क्या करता है, एटलीस्ट वन तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, उसके बाद में कंडीशन चेक करेगा। इस तरह से ये फॉर लूप एंड व्हाइल लूप से थोड़ा डिफरेंट है कि इसके अंदर पहले एग्जीक्यूशन होता है पर्टिकुलर ब्लॉक का, उसके बाद में कंडीशन चेक होती है। तो डू व्हाइल लूप के स्टेप्स क्या क्या होती है, बॉडी ऑफ डू व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस, एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद में टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होता है। टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होने के बाद में अगर उसका कंडीशन ट्रू आती है तो डू व्हाइल का जो ब्लॉक है वो वापस से एग्जीक्यूट होगा। तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा तब तक की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जहां पे हमें अनसर्टेनिटी रहती है कि हमारे को नहीं पता है कि कितने टाइम ऑफ लूप्स को एग्जीक्यूट करवाना है, वहां पे हम डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। बट ऐसी कंडीशन हमारे पास बहुत ही रेयर आती है प्रोग्रामिंग के अंदर कि हमें कुछ पता ना हो कि हमारे इस पर्टिकुलर कोड को कितने बार हमें रन करवाना है, हाउ मेनी टाइम्स इट विल रन। अब हम देखते हैं कि डू व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट के अंदर देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला, इनिशियलाइज तो हो गया, इनिशियलाइज होने के बाद में सीधा बॉडी ऑफ लूप आ गया कि लूप जो डू के अंदर जो लिखा हुआ था जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद में जो कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली होती है वो होगी या नहीं होगी, ये अपने अपने प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये कंडीशन इवेलुएट जरूर होगी व्हाइल ब्लॉक के साथ में। ये जो कंडीशन होगी, अगर इस कंडीशन का आउटपुट ट्रू आता है, मतलब कंडीशन ट्रू होती है, तो ये वापस से बॉडी लूप में चला जाएगा। कंडीशन फॉल्स होने पर ये वापस चला जाएगा। तो डू व्हाइल लूप का हम यूज कब करते हैं, जब हमें एटलीस्ट वन टाइम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है। दूसरा, जब हमें ये आइडेंटिफाइड ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप के स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करवाना है, ये हमारे लिए अन आइडेंटिफाइड है, तो उस कंडीशन के अंदर हम डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। लेकिन सबसे रेयर चांसेज होते हैं कि हम डू व्हाइल लूप का प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं।